सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में सोमवार को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख ललिता देवी, 20 सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, वीडियो महेंद्र रविदास, सांसद प्रतिनिधि भगवान दास वर्णवाल, मरगूब आलम, रणधीर चौधरी आदि लोग दीप प्रज्वलित कर शुभारम्भ किया। स्वास्थ्य शरीर में ब्लड जांच, सुगर जांच, कोरोना वैक्सीनेशन, कुष्ठ रोग समेत कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें 180 मरीजों को देखा गया। मौके पर उपस्थित प्रमुख ललिता देवी ने कहा कि प्रचार प्रसार सही से नहीं होने के कारण लोग इस कैंप में नहीं पहुंच पाए। अगर सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी प्रचार प्रसार किया जाता तो अधिक से अधिक संख्या में लोगों को इसका लाभ मिल पाता। वहीं 20 सूत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने कहा, यह गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए मेला लगाया गया, लेकिन सुदूरवर्ती गांव में किसी भी तरह की प्रचार नहीं होने की वजह से लोग नहीं पहुंच पाए। उद्घाटन सांसद प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता के साथ स्वास्थ्य मेला में पहुंचे व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चंद्रमोहन कुमार प्रचार प्रसार नहीं करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करने लगे। विधायक प्रतिनिधि और 20 सूत्रीय अजय कुमार सिंह व रणधीर कुमार चौधरी ने कहा कि सुदूरवर्ती गांव में प्रचार वाहन से प्रचार प्रसार करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। उन्होंने गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का मेला का आयोजन किया था, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस मेले से लाभ ले सकें। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी चंद्रमोहन कुमार, बीपीओ प्रमोद वर्णवाल, डॉक्टर हबीब उल्लाह खां, उषा देवी, रेणू देवी, सुशील उपाध्याय, रंजन कुमार समेत कई लोग, शक्ति भैया, सांसद प्रतिनिधि भगवान दास बड़े भाई, हमारे सदस्य मरगूब आलम जी, इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर चंद्रमोहन प्रसाद जी एवं नितिन साहब एवं सभी हॉस्पिटल के कर्मी, जनता जनार्दन, हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, स्वागत। सरकार का गाइडलाइन है, अभी अनिल भाई बोले तो सरकार का गाइडलाइन ये भी होना चाहिए, क्या प्रचार प्रसार के कोई दिशा निर्देश है आदि, क्योंकि ये बड़े सौभाग्य से कार्यक्रम आयोजन हुआ है प्रखंड में, और गांव प्रखंड से एंड 20 से 25 किलोमीटर पड़ता है, जो कि रास्ता भी आने का नहीं है, ये मैं भी समझता हूँ और आप सभी जनप्रतिनिधि, आप सभी कर्मी भी समझते हैं, ये कोई आप लोगों से पर्दा नहीं है, सबको समझ रहे हैं। और 20-25 किलोमीटर यहीं से हमारे सभी जो जनता यहाँ का है, सीधे साधे भोले भाले हैं, जो उनको ये भी पता नहीं हो पाता है कि प्रखंड मुख्यालय में क्या कार्यक्रम है। इसके लिए हम सबका उत्तरदायित्व है, आपका उत्तरदायित्व है कि इसकी पहले प्रचार प्रसार होने चाहिए। तो हमें तो लगता है भाई साहब, कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया गया है, अगर कुछ किया हो गया होगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे जहाँ तक, क्योंकि हमने भी अगर प्रचार प्रसार होता तो निश्चित तौर पर अभी भीड़ जरूर होता, हम तो देखना 10-20 लोग हैं, तो प्रचार प्रसार निश्चित तौर पर होना चाहिए। और हम सरकार से आग्रह करेंगे कि प्रत्येक गाँव स्वास्थ्य मेला अगर प्रत्येक माह होगा तो हमारे जो जनता भोले भाले हैं, सीधे साधे हैं, जिनको अनेक प्रकार की तकलीफ होता है और उन्हें पता भी नहीं होता है कि आयुष्मान भारत क्या है और किस कारण से मिलता है,